देखो गाइस ये मान नहीं रहा तो पापा कितना प्यार करते हैं मम्मी। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, पहले 4 बजे उठती थी, आज मैं 6 बजे उठी हूँ। और क्योंकि कल गए थे तिमुतार को, बहुत थक चुके, आपने शायद देख लिया होगा अभी तक तो ब्लॉग आ चुका है, 7 बज चुका है। तो अगर आपने जीजीसीस नहीं देखा प्रति ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और आज सुबह सुबह मम्मी क्या बना रही है देखते है। क्या बनाया आज खाने पे? साग का सूप बनाया, और दाल नहीं बन रहा आज मम्मी। यहाँ से आप देख सकते हो छोटे से घर पे है, यहाँ पापा साइशा के साथ। तो ये है बास्को टूसा, तो हम लेके आए थे कल तिमितारको के रास्ते से। और ये है ना काट के डल्ले के साथ अचार डालेंगे, क्योंकि इसका सब्जी भी खाया जाता है लेकिन हम सब्जी नहीं खाते हैं ना। इससे ना जिसका भी बोन्स का प्रॉब्लम है, जैसे जोड़ों का दर्द है, तो इस ये नहीं खाना चाहिए है ना मम्मी। ये जो बोन्स के प्रॉब्लम वाले लोग नहीं खाते है। मुझे बहुत पसंद है इसका पिकल, तो मैंने बोला पापा को कि लेके चलते हैं डल्ले के साथ, बहुत टेस्टी लगेगा। तो मम्मी यहाँ पे काट रही है तामा, अभी पापा काट रहे थे आधा, तो मम्मी ने काटा। अभी धूप तो होगी दिन में, अभी नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से ना। हम मेरे मम्मी पापा की रूम है, हमारे मम्मी पापा के रूम से ना व्यूज बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे है एक विंडो और यहाँ पे एक विंडो और यहाँ पे एक विंडो। आज मेरा फेस भी थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा ना, क्योंकि आज मैंने नहीं किया मॉर्निंग एक्सरसाइज, और क्योंकि वैसे कंटिन्यू नहीं करती मैं, 10-15 दिन में एक दिन तो छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मम्मी सुखा रही है ये कितने दिन तक सुखाना पड़ेगा मम्मी? एक दिन रखो सामने के साथ। तो गाइस अभी मैं और शाइशा है यहाँ पे, शाइशा सिर्फ घूमना है, सुबह सुबह अगर हम बैठेंगे ना ये रोने लगेगी, पता नहीं आज क्या हुआ है, अगर ऐसे बैठेंगे ना तो ये रोने लगेगी। ऐसे तो घूमते ही रहना है, पता नहीं कितने घंटे घूमेंगे। पापा घुमा के लेके आए नीचे से, और फिर तभी भी करती है ये, अगर इसे घुमाना बंद करे तो। साइशा को खिलाएगी मम्मी खाना, तो साइशा खाएगी उसका माँ, और फिर सोएगी, उसका सोने का टाइम 8 बजे। तो गाइस अभी मम्मी बोल रही है साइशा थोड़ा हैवी लग रही है, तो जाके इसका मैं वेट चेक कर रही हूँ। तो चलो साइशा अभी जाके वेट चेक करेंगे, ठीक है। साइशा का वेट है 7.50। तो यहाँ है साइशा और मम्मी बना रही है साइशा का खाना रेडी। देखो ये रोने लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। ये फैन ना पापा मम्मी के लिए ऑर्डर किया, मम्मी को ना हर टाइम गर्मी लगती है, पापा ने ना ऑनलाइन ऑर्डर करके मम्मी के लिए फैन मंगाया। देखो पापा कितना प्यार करते हैं मम्मी को। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ यहाँ डबल चिन की एक्सरसाइज, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एक्सरसाइज ये वाला, स्पेशल अगर आपको फेस का फैट कम करना है ना, तो ये वाला मैं हमेशा करती थी। अभी एक दो हफ्ते से नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमेशा करती थी ये वाला एक्सरसाइज करना, अगर आपके डबल चिन है ना। इससे क्या होता है ना, ये जॉस होता है ना बहुत ज्यादा पेन होता है, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है किसिंग द सीलिंग वाला, और दूसरा वाला है जैसे फिश ऐसे ब्रीथ करते ना मुंह मुंह करके, ऐसे ऊपर करके ऐसे करना पड़ेगा, और दूसरा ऊपर से, ये जॉ लाइन बहुत ज्यादा शार्प होती है। अभी भी लाइट आया है ना, मशीन में डालने जा। तो गाइस मम्मी चूहे निकाल रही है टोबी का, और देख सकते हो टोबी का हाथ यहाँ पे नींद आ रही है, सो गया। तो गाइस आज चल रही है किचन की साफ सफाई, बहुत गंदा हो चुका है किचन, तो मम्मी कर दी है साफ सफाई, और मैं भी यहाँ पे चाय गरम कर रही हूँ, और देख सकते हो फ्रिज की सफाई हो रही है, और यहाँ पे सारा कुछ निकाल के रखा है मम्मी ने, क्योंकि मम्मी को ना अगर कुछ भी गंदा है ना तो बहुत डांटती भी है, और खुद करने लग जाती है अगर किसी ने नहीं किया तो। और मैं पी रही हूँ यहाँ पेपर वाली चाय, बहुत टेस्टी लगती है मुझे। आज दो दो गाड़ी का सफाई हो रही है नीचे। तो गाइस आज संडे और छुट्टी है सबका, और यहाँ पे हमारा दोनों गाड़ी का हो रहा है सफाई। गाड़ी थोड़ा सा गंदा हो चुका था, तो पापा और भाई साफ कर रहे, देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी साफ हो रहा है अभी, और ये साफ हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग कपड़े सुखा रही है यहाँ पे, और ज्यादा कपड़ा ना देखो यहाँ पे ज्यादा कपड़ा ना साइशा का ही होता है, अच्छा लग रहा है धोने का। तो यहाँ पे साई सभी आ गई नहा के, और मेरी बचपन की फ्रेंड मेरी कजन आई है हमसे मिलने के लिए, और हमने किया बहुत सारी बातें, और एरेंजा भी आई है, ये पूजा की बेटी है, और पूजा ने बोला गाना सुनाने के लिए रैम्स, तो ये सुना रही है आप देख सकते हो। मम्मी का मैं अभी नेल पॉलिश लगाने वाली हूँ, ये रिमूवर लगाऊंगी, नया कहाँ है मम्मी?
तो मम्मी को लगाना है पर्पल। मैंने लगाया है पर्पल लेकिन ब्लैक दिख रहा है ये। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है मम्मी का दूसरा टाइप का पिंक है थोड़ा डार्क है। हे भगवान मेरे हाथों से देखो ऐसा हो गया। तो गाइस अभी मम्मी ले जा रही है टोबी को नहाने के लिए। देख सकते हो बहुत ज्यादा छुपा है लेकिन उसका कोई ट्रिक्स काम नहीं आया। अभी निकल के आया था लेकिन मम्मी अभी ले जा रही है इसे। और यहाँ पापा शाइशा को देख रहे है देख सकते हो और ये खेल रही है डॉल के साथ। देखो गाइस ये मान नहीं रहा। मेरे पापा निकाल के लाए बकरी बाहर क्योंकि चराने के लिए। मैं दिखाती हूँ ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे है टोबी। टोबी को यहाँ पे बांधा है तो देख सकते हो यहाँ पे बकरी अपने आप घास चढ़ रही है। इसके लिए काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती अपने आप चढ़ते हैं यहाँ पे। और बहुत सारी हरियाली है ना यहाँ पे देख सकते हो। ये एक यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ मैं अपने रूम पे हूँ। सारे लोग नीचे पापा बकरी चरा रहे हैं और साइशा अपनी मम्मी के साथ है और मम्मी भी नीचे आराम कर रही है। और फिर मैं ऊपर आके ना क्लिप्स देख रही हूँ वीडियोस का। ऐसे सोच रहा हूँ तो कुछ मूवीज देख लेती हूँ। मुझे स्ट्रीट 2 देखने का मन कर रहा था लेकिन मैंने नहीं देखा था तो मैं उसका क्लिपिंग देखूंगी थोड़ी देर। के बजे है 3 तो मैं खा रही हूँ ये जालमुरी और चाय। लंच टाइम थोड़ा लेट हो गया है बहुत ज्यादा। जल्दी तो बिल्कुल नहीं है। तो गाइस अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा यूनिक सा रील्स बनाऊ कुछ। इसीलिए मैंने मम्मी का साड़ी निकाला हुआ है तो पता नहीं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी लेकिन मुझे ये साड़ी देखकर ही ऐसा लग रहा है कुछ रील्स बनाना चाहिए। इतना सुंदर रेड साड़ी है मम्मी का। यहाँ पे लप्पा बना लिया है डिनर। डिनर पे क्या है आज? मुंडा एंड का तेल गरम हो रहा है और सब तैयारी हो रही है और लप्पा यहाँ पे गूंद रही है आटा की पापा खाते रोटी। अगर आपने मेरा रील्स नहीं देखा तो जाके देख लेना मैंने अपने फेसबुक पे डाला है प्रति ब्लॉग पे। मैं ले जा रही हूँ साइसा को रोड में घुमाने के लिए क्योंकि वो आज बहुत ज्यादा अनवेल फील कर रही है तो मैंने सोचा थोड़ा फ्रेशनेस आएगा तो घुमा के लाऊंगी। बीबी ये कर रही है चिड़चिड़ है ना हम घूमने जाएंगे ठीक है। तो मिले आई साइशा को बाहर घुमाने के लिए और मामा की बेटी भी आई है। आज का पूरा दिन मेरे ब्लॉग दिखा दिया आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुझे बहुत सारा प्यार सपोर्ट देना है। आज के लिए बाय इतना ही मिलते कल।